बड़ी खबर, देश के पहले अर्बन रोपवे का पीएम आज करेंगे शिलान्यास। नई दिल्ली में देश के पहले अर्बन रोपवे के जमीनी स्तर पर काम की शुरुआत आज होने जा रही है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस रोपवे के बनने के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। उनके पास ऑटो, टेम्पो और रिक्शा के अलावा एक और विकल्प मौजूद रहेगा। बता दें, श्रद्धालु स्टेशन से उतरकर सीधा मंदिर के करीब तक जा सकेंगे, उन्हें जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। NHLMLA के CEO प्रकाश गौर ने बताया कि काशी रोपवे का काम अवार्ड कर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री इस रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। काशी के बाहर से पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं को सौगात मिलने वाली है। काम शुरू होने के बाद 2 साल के अंदर रोपवे का संचालन शुरू हो जाएगा। इस तरह 2025 पर श्रद्धालु रोपवे से सफर कर सकेंगे। वहीं रोपवे की कुल लंबाई 3.75 किलोमीटर होगी। इसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, लेकिन चढ़ने उतरने के लिए 4 स्टेशन नहीं होंगे। 5वां स्टेशन तकनीकी कारणों के लिए बनाया जाएगा। इन 4 स्टेशनों में पहला कैंट रेलवे स्टेशन होगा, जहां से रोपवे शुरू हो रहा है। दूसरा विद्यापीठ, तीसरा रथ यात्रा और चौथा अंतिम स्टेशन गोदौलिया होगा। इसके आगे मंदिर जाने के लिए वाहन नहीं जाते हैं, इसलिए यहीं तक रोपवे चलाया जाएगा। बता दें, रोपवे की केबल कर प्रति घंटे 3,000 यात्री सफर कर सकेंगे। लोगों की संख्या बढ़ाने के साथ केबल कारों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। शुरुआती दौर में 300 यात्री प्रति घंटे सफर कर सकेंगे। वहीं रोपवे में 10 सीटों वाली केबल पर कार चलाने की तैयारी भी है। शुरुआत में कुल 18 केबल कार रोपवे में चलेंगी। हालांकि रोपवे का डिजाइन ऐसा किया जाएगा कि केबल कार की संख्या जरूरत के अनुसार बढ़ाई जा सके। इंडिया 24x7 लाइव टीवी की रिपोर्ट।